तो यो व्हाट्सअप नहीं गाइस के सबसे भी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं फ्री फायर क्लैश को ड्रैंक। तो यहाँ पे हमारे मैच मेकिंग हो चुकी है, तो ये हमारे मैच मेकिंग हो चुकी है और गेम लोड हो रहा है। तब मैच लोड हो रही है गाइस, मैंने मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ऑन किया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैंने सेकंड चैनल अपना शुरू किया है गाइस, ओपी गेमिंग विद शॉर्ट्स करके, तो उसको भी जाके आप ज़रूर से चेकआउट करना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। फिर हम ऐसे छोटी छोटी वीडियोस डाल लेंगे फ्री फायर के, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि अभी एक भी वीडियो नहीं है और एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं पर बताया ही नहीं है और जीरो वीडियो पर वो दिखाता भी नहीं है सर्च करने के बाद। तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा डिस्कॉर्ड और इसका। तो एक बंदा मुझे यहाँ पे मिल चुका है, इसको हम मारेंगे। अरे भाई इसने तो इसको ही मार दिया भाई साहब, ये क्यों खा रहा है भाई, बोलिए किसके, बंदा ही नहीं दिख रहा। ये भाई ये मरेगा भाई, ये ओपी वाला मरेगा मेरे हाथ से। ओ भाई तो ये हो चुका है नॉक, फिनिश नहीं करेंगे मैं, रिवाइव देते तो। और भाई 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 भाई, ओ भाई ये यूएसपी से इतना कैसे मार सकता है भाई मुझे। कवर ले भाई, कवर ले कवर ले कवर ले यार, हट। ने अपनी टीम को हरा दिया, हम भी हार ही गए। गाइस आपको ये नए वाले फ़ोन की सीरीज़ कैसी लग रही है आप मुझे जल्दी से बता देना। अगर आपको ये सीरीज़ कुछ अच्छी नहीं लगी है तो मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई को ओल्ड वाले फ़ोन की सीरीज चाहिए पुराने वाले फ़ोन की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और गाइस आपको कल कौन सी वीडियो चाहिए वो बता देना। कल मैं तो माइनक्राफ्ट की वीडियो डालने वाला हूँ, माइनक्राफ्ट की वीडियो हम डालेंगे कल। माइनक्राफ्ट की आएगी नहीं तो फ्री फायर की आएगी। तो गाइज वो सेकंड चैनल जो है ओपी गेमिंग विद शॉर्ट्स करके, तो उस पर मैं ऐसे वन टैप मतलब ओपी हेड सा ऐसे छोटे छोटे 20-25 सेकंड्स की वीडियो डालूँगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करो। ये एक बंदा दिखा है, ये देखो गाइज कैसा हेड लगा है उसको, और ये बंदा उसको रिवाइव दे रहे, इसको भी हेड मारो भाई साहब, इसको भी हेड मारो। गए भाई ट्रिपल किल भाई, 3 किल्स मारे हमने भाई साहब, एक ही मिल चुकी है। आपको पता है ओल्ड वाले फ़ोन की सीरीज़ है, क्योंकि मतलब न्यू वाले फ़ोन की सीरीज़ है, ओल्ड वाले की सीरीज़ में तो हमें एक ही की परमानेंट स्किन मिल चुकी थी। मैं वेस्ट हेलमेट ग्लू ले लेता हूँ, नेट्स ले लेता हूँ थोड़े। तो गाइज इस वाले अकाउंट में मुझे सिर्फ इसकी स्किन मिली है AR-94 और M4A1 इसकी मिली है, क्योंकि ये नूब वाला अकाउंट है मतलब जिसमें ज़्यादा स्किन नहीं है, जिस स्टार्ट ही किया था मैंने एक दो दिन पहले ये फ्री फायर का अकाउंट, फिर बाद में मैं सिर्फ फ़ोन से वीडियो डालने लगा था। तो ये पिंग अपने इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं, लेकिन इस पर भी हम हेड शॉट सब कुछ मारते हैं भाई, सब कुछ, और मरते भी हैं हम भाई। तो इसको अरे भाई मैं रिवाइव देने जा रहा था, ये तो मर गया भाई। एक बंदा मुझे स्पेक्टिंग कर रहा था अभी, तो ये इस भाई ने तो सब कुछ उठा लिया, कोई बात नहीं भाई। ये देखो ये पिंग ऐसे हाई होते हैं, और इस पर हेड मारना ना भाई इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। ये देखो ये बंदा इसको हेड मारा, एक नॉक हो चुका है। तो इसकी ग्लू वॉल ले लेता हूँ, अरे भाई मैंने ग्लू वॉल ही नहीं उठाई, डेजर्ट वाली उठाई। ये देखो ये पिंग ऐसे होते हैं ज़्यादा हाई होने के बाद। तो एक लेवल 3 का मैंने वेस्ट ले लिया है। तो गाइज मैं 187 ले लेता हूँ, अब एक थॉमसन भी बड़ी है, थॉमसन नहीं उठाएंगे। अगर सामने के बंदे के पास वेस्ट नहीं होगा ना
तो M1A7 के दो गोलियों से बंदा नॉक हो जाता है, कि बहुत बड़ी बात है भाई। तो मैं जल्दी से ऊपर चल लेता हूँ। ऊपर चल भाई, उधर का जा रहे। तो ये देखो ये नूबड़े लोग, ये पिलर के पीछे छुप के। ओ भाई इसका टिम्बर बहुत गंदा वाला मार रहा है। ओ भाई मैं इधर क्यों गोलियां चला रहा हूँ, पे चला नहीं है। तो इसको एक हेड पड़ा है। नहीं, अरे यार ये इसको रिवाइव देना चाहिए था। नहीं भाई थर्ड बंदा भी यहाँ पे ही है हमारा, तो बहुत बड़ी बात हो गई। इसको इसने पहले मुझे रिवाइव दे दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। मेरा वेस्ट टूटने को आया है, रिपेयरिंग किट नहीं है मेरे पास, और यहाँ पे बंदा आ चुका है। ये देखो भाई ये दो गोलियों में मर गया। ये रिवाइव देने जा रहा था, ये इसको मार देते हैं। P90 से मैं खत्म कर लेता हूँ। ये देखो भाई डबल किल हो चुके हैं हमारे, इसको रिवाइव दे देता हूँ भाई। तो इसको रिवाइव दे देना, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। तो इनका लास्ट बंदा भी आएगा शायद से। आजा भाई तेरे ही वेट कर रहे। नहीं भाई लगता है नीचे जाना पड़ेगा, और ये बंदा आ गया, इसको हमने बहुत टोपी वाला मारा है भाई। रिपेयरिंग किट लेना पड़ेगा, और हम फिर से बन चुके हैं MVP। तो मैं जल्दी से रिपेयरिंग किट ले लेता हूँ। रिपेयरिंग किट और एक हो गया बस। अब तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है हमें। P90 और M1A7 से हम कुछ मतलब तबाही करेंगे। मैं जल्दी से रिपेयरिंग किट मार लेता हूँ, और एक मारना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं। तो गाइस सेकंड वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ भाई, और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को भी फॉलो करना मत भूलना। तो यहाँ से मैं चला जाता हूँ, हम चलते हैं। ये बंदा एक आ गया यहाँ पे, मैं जल्दी से कवर ले लेता हूँ। एक बंदा हमारा नॉक भी हो चुका है यहाँ पे इसे। ओ भाई 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 जल्दी से जल्दी से। अरे भाई उसका पीछे वाला टीममेट मार रहा है, और उसके पास कौन सी गन थी भाई साहब? थॉम्सन थी उसके पास। अरे M1A7 भाई साहब, यार पूरा वेस्ट तोड़ के मार दिया हट यार। तो कोई बात नहीं है, हमारे दो बंदे बाकी है हमारे। तो ये अटक क्यों रहा है भाई? पिंग चल रही है मेरे बहुत ज्यादा भाई। यहाँ पे एक बंदा है, ठीक से जा ठीक से जा। अरे भाई MAC-7 ले लेता भाई। तो इसने इसको मार दिया, डेजर्ट ईगल उठा ली है। तू जल्दी से ये मार ले मेड किट। ने ग्लू क्यों पकड़ लिया तू? अरे भाई ग्लू लगा ली भाई, अब कहाँ से। अच्छा था इसमें डिस्टेंस। तो ये बंदा वहां पे खिड़की के पास ने मार दिया है शायद से। हाँ भाई क्वाड्रा किल मारे, और इसी के साथ हमारा हो चुका है यहाँ पे एक ओपी वाला बूया। ओपी वाला बुया हो चुका है, देखते हैं कौन है MVP फाइनल राउंड का। और MVP भी हमें भाई साहब, MVP 9 किल्स 1 असिस्ट, 2344 डैमेज है हमारा।